फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। सो आज आप लोग का इंग्लिश पेपर था, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, इसका हम लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन, ए वन, डू एज डायरेक्टेड, इसमें कोई एनी फोर करना था, फाइव क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था पंचुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे एच स्मॉल लेटर में था और फुल स्टॉप नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली एच को कैपिटल लेटर में लिखना था और देम के बाद फुल स्टॉप डालना था। ठीक है, नेक्स्ट है पिक आउट एन इन्फिनिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इन्फिनिटिव हो जाएगा टू सिंक, वर्ब सिंक है उसके साथ टू लगा, विच इज़ ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ये ही वाला एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं था। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच को ब्रंच बोलते हैं, स्मोक प्लस फॉग को स्मॉग बोलते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विच हैज़ विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। तो हैव हम लोग जनरली तब यूज़ करते हैं जब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे कि दे, जब हम लोग दे लिखते हैं तो दे क्या है, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट दे ये प्लूरल है, तब अपन हैव यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे स्टेफन हॉकिंग, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग, देखो रूट वर्ड हम लोग को जो एक्चुअल वर्ड है वो लिखना है, आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बोला है कि ये जो वर्ड रिलेशनशिप है इसका रूट वर्ड लिखो, कि इसको ड्रॉप करने के बाद प्रीफिक्स या सफिक्स, इसका प्रीफिक्स या सफिक्स कोई एक चीज़ ड्रॉप करो और उसका रूट वर्ड लिखो। तो रिलेशनशिप, इसमें से ये जो शिप, ये सफिक्स जो ऐड हुआ था उसको हटा के अपने को लिखना है, रूट वर्ड इज़ द वर्ड रिलेशन। ठीक है, ये हम लोग का ए वन का ईजी वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आता है ए टू, डू एज डायरेक्टेड एनी टू, इसमें तीन क्वेश्चन है उसमें से कोई दो करना था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। विल यू बाई माई हेयर, आस्क डेला, विल यू बाई माई हेयर, आस्क डेला, तो ये हो जाएगा डेला आस्क वेदर। ठीक है, जिसने लिखा डेला आस्क वेदर ही वुड बाई हर हेयर चलेगा, जिसने लिखा डेला आस्क इफ ही वुड बाई हर हेयर चलेगा। ठीक है, मेजर वेदर भी चलेगा, इफ भी चलेगा, और यहाँ पे किसने ही के बदले शी लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसको डेला ने बोला है इसका जेंडर मेंशन नहीं किया, तो ही लिखा या शी लिखा चलेगा, वेदर लिखा इफ लिखा चलेगा, आंसर होना चाहिए डेला आस्क वेदर ही वुड बाय हर हेयर। ठीक है, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ फोर वर्ड्स रिलेटेड विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स से रिलेटेड कोई फोर वर्ड्स का वर्ड रजिस्टर बनाना था, बहुत सारे वर्ड्स है, इसमें से अगर कुछ नहीं है तो पैनिक मत करो, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है, अगर यूनिवर्स के रिलेटेड है तो लिखे हो तो मार्क्स मिलेगा। स्टार्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, स्पेस से और भी बहुत सारे वर्ड्स है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे वॉइस चेंज करना था, पैसिव एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से स्टार्ट होगा, लेट नो मिस्टेक बी मेड बाय मी, लेट नो मिस्टेक बी मेड बाय मी, यहाँ पे तीन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बी पार्ट हो गया, डू एज डायरेक्टेड एनी वन, यहाँ पे दो क्वेश्चन में से कोई एक करना था। यूज़ द गिवन वर्ड इन टू वन मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये दो वर्ड्स को यूज़ करके मैं कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं बता सकती, बट ये दो वर्ड्स को यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। सबका अलग अलग सेंटेंस हो गया, किसी का भी सेंटेंस सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा कोई भी एक सेंटेंस बताने का वर्थ नहीं है, ये बता दूँ। चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम, तो क्या बोला है इसमें, वो मुझे एक रूम में लेकर गया जहाँ पे ग्रामोफोन है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे बोला ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स में करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होता है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट, ठीक है, ये समझा क्या हुआ, ही टुक मी अ रूम ये मेन क्लॉज हो गया, और विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट ये सबॉर्डिनेट हो गया। तो इन शॉर्ट हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये सारे ग्रामर थे 10 मार्क्स का। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। हम लोग ने पहला क्वेश्चन नंबर वन ग्रामर वाला पूरा कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर टू या सेक्शन टू टेक्स्टुअल पैसेजेस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू ए, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। फर्स्ट था तुम लोग का क्वेश्चन नंबर वन ए का, ए वन, ट्रू और फॉल्स, स्टीव जॉब वॉज डायग्नोज विद कैंसर, ट्रू था। वी शुड बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, फॉल्स था। वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। हैव द करेज टू फॉलो आर हार्ट एंड इंट्यूशन, ट्रू था। आवर टाइम इज अनलिमिटेड, फॉल्स है क्योंकि आवर टाइम इज लिमिटेड। ठीक है, बहुत ईजी से एक्टिविटीज आए थे, ये था हम लोग का पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टीव जॉब्स लाइफ लेसन फ्रॉम दिस पैसेज। स्टीव जॉब के लाइफ लेसन क्या थे पैसेज में, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, योर टाइम इज लिमिटेड, ये एक पहला था। डोंट वेस्ट इट इन लिविंग ऑन समवन एल्स लाइफ, ये ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन,
मतलब ये ऑलरेडी एक बॉक्स में फिल था. डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा. डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस. ये भी तुम लोग को एक बॉक्स में दिया होता, तुम लोग को चार फिल करना था. तो एक ये हो गया, एक ये हो गया. हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन तीन. और नेक्स्ट थर्ड स्टे हंग्री स्टे फुलिश. ये फोर बॉक्सेस थे और दो ऑलरेडी इसमें फेल थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत ईजी था. वी शुड नॉट बी डैश्ड बाय सुपरस्टिशन. वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड बाय सुपरस्टिशंस. ठीक है, द मूवी डैश टू बी डिसअपॉइंटमेंट. द मूवी टर्नड आउट टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, फर्स्ट ही सेकेंड. ही डैश विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. ही साइंड ऑफ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. ठीक है, वी शुड नॉट लेट द ओपिनियन ऑफ अदर्स ड्राउन आउट. ठीक है, नेक्स्ट ए फॉर डू एज डायरेक्टेड. इट वॉज द फेयरवेल मैसेज. बहुत ईजी था, क्वेश्चन टैग ऐड करना था. क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इसके लिए इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा और वो जाएगा ये वॉजेंट इट. ठीक है, इट लिव दैट इट आई लिव विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे. तो ये पास्ट में और ये सिंपल पास्ट है. क्यों ये कंटिन्यूस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं है. क्यों ये परफेक्ट नहीं है? परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हैड नहीं आया और परफेक्ट कंटिन्यूस का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट. तो सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करना था और उसका टेंस कौन सा वो स्टेट करना था. पर्सनल रिस्पॉन्स है, खुद से लिख लेना. खुद से लिखा होगा स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. ये फेयरवेल मैसेज का खुद का ओपिनियन देना था. ही वॉज ओनली 15. ये तो बहुत ईजी है, ना करा तो भी चलेगा. ही वॉज ओनली 15 एंड हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग. बट ये ऑलरेडी सेंटेंस हम लोग को बस कंप्लीट करना था. यहाँ पे है ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्ट रनर. नेक्स्ट हो जाएगा ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कम्पोज हिज ओन ट्यून्स टू एस्टॉनिशमेंट ऑफ द गुरु. वेन एवर दे स्टे इन मुंबई दे स्टेड विद आंट सुशीला. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट देर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. ये चार स्टेटमेंट थे. ठीक है, वाई डिड स्मिता बिकम नर्वस. वही आंसर पैसेज में दिया है, देख सकते हो तुम लोग. ये मैच द पेयर भी बहुत ईजी है. फॉरगटन रिमेंबर्ड. यहाँ पे एंटोनियम. सो फॉरगटन का रिमेंबर्ड हो जाएगा, मिसअंडरस्टूड का अंडरस्टूड, सेपरेट का टुगेदर, शालो का डीप. ठीक है, सब बहुत ईजी थे. यहाँ पे हम लोग का ग्रामर डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स का. ही वॉज लर्निंग टू प्ले सितार. फ्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट दस आंसर. अंडरलाइन पार्ट को आंसर मिलना चाहिए. तो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? वॉट ही वॉज लर्निंग. तो ही वॉज लर्निंग टू प्ले सितार. आंसर आ गया हम लोग को तो करेक्ट है. ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी. तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कुड हो जाएगा और इसका फंक्शन हो जाएगा पॉसिबिलिटी. पर्सनल रिस्पॉन्स है, याला खुद कर सकते हो तुम लोग. वॉट वुड यू प्रिफर, म्यूजिक और स्पोर्ट्स. नेक्स्ट पोइट्री के एक्सट्रैक्ट है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ये पोएम पे था. थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. क्या क्या चीज़ें, ये हो जाएगा डेस्पोंडेंस. ठीक है, इन ह्यूमन डेथ. ये सारी चीज, बहुत सारी चीज़ें थी जो तुम लोग को लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी. लिस्ट डाउन टू इम्पैक्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन अस. राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट फोर लाइन्स. फर्स्ट फोर लाइन्स देखो क्या थे. फर्स्ट फोर लाइन्स थे एवर नेवर. ए हो गया, कीप्स ली बी. ठीक है, तो ड्राइंग स्कीम क्या हो जाएगा? डबल ए डबल बी. नेक्स्ट बहुत इजी सा एप्रिसिएशन आया था 5 मार्क्स के लिए. ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज. इसका एप्रिसिएशन लिखना था 5 मार्क्स के लिए. टाइटल पोएट. टाइटल तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 मार्क्स मिल ही गया तुम लोग को. ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज. विलियम शेक्सपियर पोएट का नाम भी दिया हुआ है. राइम स्कीम भी लिखना था. फिगर्स ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया या थीम. नेक्स्ट पार्ट इसका आंसर मैं प्रॉपर बता देती हूँ क्योंकि ये अनसीन पैसेज था, नॉन टेक्सुअल पैसेज था. तो रॉकेट प्रोग्रामिंग डॉक्टर शिवान ने रॉकेट प्रोग्रामिंग इसरो से किया था. ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया था एसटी हिंदू कॉलेज से. मास्टर्स इन इंजीनियरिंग आईआईएससी और पीएचडी आईआईटी बॉम्बे. देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ग्रेजुएट एसटी हिंदू कॉलेज, मास्टर्स आईएससी और पीएचडी आईआईटी बॉम्बे. और हाँ ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट था व्हाट इज डॉक्टर शिवान नोन एज. तो डॉक्टर यहाँ पे देखो क्लियरली बोले 1 or 2 वर्ड्स. तो तुम लोग अगर इसरोज रॉकेट मैन लिखा चलेगा, रॉकेट मैन भी लिखा चलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 or 2 वर्ड्स बोला है. और यहाँ पे जिसने इसरोज रॉकेट मैन लिखा चलेगा क्योंकि इसरो रॉकेट मैन आंसर आएगा क्योंकि इसरो इम्पॉर्टेंट था. ठीक है, या सिर्फ किसी ने रॉकेट मैन लिखा है तो भी मार्क्स मिल जाएगा. इन विच सब्जेक्ट डॉक्टर शिवान स्कोर 100% इन बीएससी मैथमेटिक्स. यहाँ पे दिया हुआ है कि Only when I had completed my BSc Mathematics with 100% marks. ठीक है,
व्हेन डिड डॉक्टर शिवन ज्वाइन इसरो, इसका ईयर हो जाएगा 1982, यहाँ पे मेंशनड, ही ज्वाइन इसरो इन 1982, इन विच स्पेस सेंटर डॉक्टर शिवन वॉज द डायरेक्टर। अब देखो इसका एक्चुअल आंसर तो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बट यहाँ पे क्यों मुखी बोला है वन और टू वर्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना था VSSC, ठीक है। नेक्स्ट मैच द वर्ड कनेक्टर्स, तमिल मीडियम था उनका और गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है, चीज़ें तो तुम लोग चेक कर सकते हो पीछे दिया हुआ है। शिवान इज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, शिवान इज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, इसको नेगेटिव में करना था, तो शिवान पहले तो नेगेटिव है तो नॉट आएगा, शिवान इज नॉट फर्स्ट का लास्ट हो जाएगा, शिवान इज नॉट द लास्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर वर अनएबल टू कम्प्लीट हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी, तो यहाँ पे नीदर नॉर यूज करना था, तो नीदर हिज ब्रदर नॉर टू सिस्टर्स वेर, देखो यहाँ पे अनएबल का ना एबल करना पड़ेगा, वेर एबल टू कम्प्लीट हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी, क्यों एबल करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला ना ही उसके उसके भाई ने ना ही उसके बहन ने, दोनों अनएबल थे कम्प्लीट करने को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नीदर हिज ब्रदर नॉर हिज सिस्टर नॉर टू सिस्टर्स वेर एबल टू कम्प्लीट देयर हायर एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी। वर्ड इंस्पिरेशन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम डॉक्टर शिवान सक्सेस, तो यहाँ पे खुद का ओपिनियन देना कि डॉक्टर शिवान की सक्सेस से हम लोग को क्या इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। नेक्स्ट समरी राइटिंग, इसी के बेस पे समरी राइटिंग लिखना था, फिर अपना राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है, बहुत ईजी पेपर था, सारे नॉन टेक्सुअल टेक्सुअल पोएम्स सभी ईजी थे, ठीक है, राइटिंग स्किल्स भी ईजी था। होली के टॉपिक पे आया था हम लोग को कि पुलिस ने एक एडवर्टाइजमेंट डाला है होली के लिए, रूल्स रेगुलेशन नहीं बोल सकते बट कुछ एक टाइप का सेफ्टी मेजर्स के लिए बोला है, थ्रोइंग वाटर कलर्ड वाटर और रबर बलून्स कंटेनिंग वाटर एट पास बाय, कलरिंग पीपल विदाउट द कंसेंट, ईव टीजिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, यूज डर्ट एंड केमिकल्स, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, क्या बोले अवॉइड, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक टैम्पलेट बनाया था और इसको एडवर्टाइजमेंट में डाला था, इसके ऊपर हम लोग को फॉर्मल लेटर लिखना है और इनफॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर में क्या था, देखो फॉर्मल लेटर में लिखना है कमिश्नर को थैंकिंग यू, उनको थैंक करना, ऑफकोर्स तुम लोग को थैंकिंग यू यहाँ पे आया लेकिन ये फॉर्मल होगा, ठीक है, फॉर्मली थैंक करना है, तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, यू आर राज रजनी मल्होत्रा रिजाइडिंग एट दिस, ठीक है, विलेपार्ले मुंबई, खुद का एड्रेस दिया हुआ है, साथ ही टू द कमिश्नर ऑफ टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है और हम लोग का पूरा लेटर लिखना है, ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर था, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रोहन रोहिणी अपीलिंग हिम और ऑल टू प्ले सेफ होली, मतलब दोनों ही टॉपिक सेफ होली के ऊपर था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एनी वन करना था, ऑफकोर्स पहला था वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल में बोला है कि आउटसाइड द लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड डिस्प्ले किया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशनड है, ठीक है, जो मेंबर्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अपने को इस पे ना डू एंड डोंट्स का टेबल बनाना है, डू एंड डोंट्स मतलब ऐसा एक टेबल रहेगा, ऐसा एक बॉक्स बनाना है और इसमें लिखना है डूज और इसमें लिखना है डोंट्स, ठीक है। डूज में क्या क्या आएगा, देखो डूज में लिखोगे एंटर योर नेम एंड रजिस्टर्ड नंबर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग इन द लाइब्रेरी, ये डूज हो जाएगा। पे योर मंथली और एनुअल मेंबरशिप ऑन टाइम, ये भी डू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डोंट्स में ना डायरेक्टली लिखना अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द बुक मैगजीन, मतलब देखो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग का डोंट का कॉलम है, क्या डोंट का कॉलम है, तो यहाँ पे लिखना अलाउड, नॉट नहीं लिखना, ठीक है, नॉट नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना अलाउड टू राइट एनीथिंग, ठीक है, जो भी पूरा वाला, क्यों यहाँ पे रीड कैसे होगा, डोंट अलाउड नॉट अलाउड ऐसे रीड होगा, डोंट अलाउ अलाउ का अलाउ हो जाए, अलाउ का अलाउ हो जाएगा, डोंट अलाउ टू राइट एनीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट मेंशन नहीं करना था, सारे डोंट वाले पार्ट्स में ऐसे ही करना था। यू शुड नॉट टेक एनी बुक, डू नॉट टेक एनी बुक नहीं, नॉट टेक एनी बुक और मैगजीन, ठीक है, फिर डोंट आ जाएगा, यहाँ पे लिखना था हम लोग को टेक एनी बुक और मैगजीन आउट ऑफ द लाइब्रेरी, हम लोग रीड कैसे करेंगे, डोंट टेक एनी बुक, ठीक है, डोंट रीड करेंगे हम लोग ऊपर से। मेंटेन पिलर ऑफ साइलेंस, ये डूज में आ जाएगा। ईट ड्रिंक वाले, ये डोंट्स में आ जाएगा। रिटर्न द बुक, ये डूज में आएगा। नॉट टू डिस्टर्ब, ये डोंट में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा पेपर था, जिसने देखो यहाँ पे डोंट वगैरह यूज कर दिया, जिसने डोंट के कॉलम में यहाँ पे डोंट या डो नॉट ये सब मेंशन किया, टेंशन मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, हाफ ही मार्क्स, मतलब बहुत कम चांस है कि मार्क्स कटेंगे, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि आगे हिंदी पेपर है। ये नेक्स्ट था वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल, दोनों में से कोई एक करना था, ये भी इजी सा था। इसको हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना था, पैराग्राफ में। इक्वेटोरियल रीजन में कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं, मार्शेस में कौन से प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से एरिया में होते हैं वो बताना। ड्राफ्ट स्पीच या व्यू काउंटर, ये दोनों के बीच पे था, ये दोनों के बेस पे ऑप्शन था। स्पीच राइटिंग बहुत ईजी सा टॉपिक था, सेव नेचर और पॉइंट्स भी दिए हुए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ये पॉइंट्स को यूज करो और खुद भी अपने कुछ पॉइंट्स एड ऑन कर दो. डू यू काउंट ऑफ योर डॉग्स डॉग मैंस बेस्ट फ्रेंड डॉग मैंस बेस्ट फ्रेंड. प्रिपेयर अ पैराग्राफ ऑफ काउंटर व्यूज ऑन द गिवन टॉपिक. इसके टॉपिक की काउंटर व्यू लिखना था. यूज द फॉलोइंग पॉइंट टू एक्सप्रेस योर काउंटर व्यू. ठीक है, जिसने काउंटर व्यू किया होगा उसके लिए काउंटर व्यू. नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग एक्सपेंशन और न्यूज. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड. इस बार प्रोवर्ब नहीं आया था, इस बार नॉर्मल सा ये एक स्लोगन आ गया था. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड. ये बहुत ईजी सा कोड था जो सबको समझा होगा, और जिसने एक्सपेंशन लिखा होगा उसका ईजी ही गया होगा. नेक्स्ट, न्यूज रिपोर्ट भी काफी ईजी था. एयर पोल्यूशन इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली. ठीक है, ये टॉपिक पे आपको पूरा रिपोर्ट लिखना था. नेक्स्ट, बी डेवलपर स्टोरी या नरेट. डेवलपर स्टोरी विद अ सूटेबल. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कंक्लूजन एंड दिया हुआ है, वही चीज को यूज करना है और टाइटल खुद से देना है. एंड आई रियलाइज आई मस्ट इग्नोर द वर्ड्स ऑफ द वाइस. इसको लेके पूरा हम लोग को स्टोरी बनाना था. नेक्स्ट लास्ट, नरेट एंड एक्सपीरियंस. नरेट एंड एक्सपीरियंस बिगिनिंग इज गिवन. बिगिनिंग दिया हुआ है, ठीक है. बिगिनिंग को लेके आपको अपनी मर्जी से जो कंक्लूजन देना था वो दे. ठीक है, बिगिनिंग दिया था, अपने को स्टार्ट इसी से करना है. और इसमें टाइटल बोला नहीं कि टाइटल लिखना है, बट तुम लोग को यहाँ पे टाइटल लिखना है. ठीक है, सो यहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट हुआ. बहुत इजी सा पेपर था इंग्लिश का. इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया. अब इस पे अगर कुछ मिस्टेक्स हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया या ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इस पे स्ट्रेस लेने के बदले नेक्स्ट परसों हिंदी पेपर उस पे फोकस करो. इस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो हिंदी पेपर के लिए टाइम नहीं जाएगा, उस पे स्ट्रेस मतलब सारा पेपर का जो डिसएडवांटेज है सब हिंदी पे जाएगा. ठीक है,